Hey guys, it's Sunday and I'm back. So today, I'm at my relative's place and location totally changed up, but then just look at the scenery around. Isn't it so green? I couldn't really have picked a better place to shoot this video. So cooking a non-vegetarian dish here at my relative's place won't really be a good idea. Plus, I've been getting a lot of messages from you guys to shoot a vegetarian dish. So aaj mauka bhi hai aur dastoor bhi. So let's get cooking. गाइस वेलकम टू द न्यू किचन और आज हम बनाने जा रहे हैं नवाबी पनीर। नवाबी पनीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सो वी विल नीड आवर रेगुलर मसाले, सम घी, केवड़ा या रोज वाटर, कस्तूरी मेथी, स्लिट चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये कैश्यूज और आलमंड्स। आलमंड्स को हमने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया है। ये है खस, खस को हमने थोड़ा बॉइलिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया है। संकर्ड, ये थोड़े अनियंस जिसका हम पेस्ट बनाएंगे, हमारे खड़े मसाले, थोड़ा दूध एंड देन ऑब्वियसली सम पनीर। तो हमने अपना यूटेंसिल गर्म कर लिया है और उसमें मैं डाल रहा हूँ घी। और साथ में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि घी ना जले। तेल ये जो घी है ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। लेट इट टेंपर और उसी के साथ में हमारे जाएंगे खड़े मसाले, पिंच पत्ता, इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी लौंग। इसको थोड़ा चला लेते हैं। दो मिनट के लिए इसको चला लेते हैं। अब ये इसने अपना अरोमा रिलीज कर दिया है। इसमें हम डालेंगे अपना अनियन पेस्ट। सो हमारा जो प्याज है वो 3 से 4 मिनट तक भून चुका है मीडियम फ्लेम। अब इसमें हम डालेंगे हमारी ग्रीन चिलीज, 2 से 4 स्लिट ग्रीन चिलीज, मिला लेंगे एक बार इसको। एंड उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर 1 मिनट के आसपास तक इसको भून लेंगे। इसका फ्लेवर काफी यूनिक है, काफी ज्यादा अच्छा है। सो व्हेनेवर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रियली इम्प्रेस देम विद। इट्स अ रियली नाइस डिश टू मेक फॉर योर रिलेटिव्स और एनीबडी कमिंग टू योर हाउस। सो 1 मिनट के आसपास हमने इसको और भून लिया है। नाउ वी विल बी एडिंग द पेस्ट। सो ये पेस्ट है काजू, खसखस एंड आलमंड्स का। तो हमने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में एंड हम इसको ऐड करेंगे। कीप द फ्लेम ऑन लो एंड इसको हम 2 से 4 मिनट और भूनेंगे। ठीक है, कीप इट ऑन लो फ्लेम एंड आराम से आप भूनिए इसको 3 से 4 मिनट। एंड तो गर्मी काफी है तो मेरा गमछा मेरे साथ रेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, तो आपने गैस एकदम सिम पे कर लेनी है। हमारा जो ये पेस्ट है ये काफी अच्छी तरह भून चुका है। इट्स नाउ लीविंग द यूटेंसिल, आप देख सकते हैं आराम से ये बर्तन छोड़ रहा है। नाउ हम इसमें डालेंगे दही, एकदम लो फ्लेम पे डालना है। तो दही पोर कर देना है सारा का सारा, ये हमने फेंट के रखा हुआ ऑलरेडी। एंड इसको मेक श्योर कि इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे एकदम लो फ्लेम पे।
सो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें इसको भूनते हुए. ये बिल्कुल एकदम लाइटेस्ट शेड ऑफ ब्राउन हो गया, एकदम लाइट, मतलब इट्स नॉट कैन हार्डली बी कंसिडर्ड ब्राउन, बट या. तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक टू टेस्ट एंड काली मिर्च जिसको हमने ग्राइंड कर दिया, इसको मिला लेंगे. फ्लेम अभी भी हम लोग एकदम लो पे ही रखेंगे, सिम पे रखेंगे इसको, इसको एक बार चला लेना है. एंड नाउ बिकॉज हम इसमें ग्रेवी के लिए हम और कोई पानी नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें दूध यूज करेंगे. मिल्क एंड इसको लो फ्लेम पे ही चला लेना. ओके, इसको चलाते रहना है ऑन लो फ्लेम, ओके, फॉर अबाउट 1.5 मिनट्स एंड मेक श्योर कि ये बॉइल पे आ जाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसको आप चलाएं अंटिल देयर इज अ बॉइल. सो गाइज अब 4 से 5 मिनट हो गए हमें अपनी ग्रेवी को बॉइल करते हुए ऑन लो टू मीडियम फ्लेम, एंड आप देख सकते हैं ग्रेवी काफी स्मूथ हो गई है. सो नाउ वी आर गोइंग टू एड सम रोज वाटर. बेसिकली केवड़ा यूज करना चाहिए, बट सिंस वी डोंट हैव इट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग ऑलमोस्ट 2 teaspoons ऑफ रोज वाटर और 1 teaspoon ऑफ केवड़ा वाटर. ओके, तो इसको एक बार मिला लेते हैं. स्मेल्स रियली नाइस नाउ. नाउ बिकॉज दिस इज अ स्पेशल रेसिपी, सो दैट स्पेशल रेसिपी कॉल्स फॉर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स एंड आई एम एडिंग सम सैफरिन. सो इस सैफरिन को मैंने बॉइलिंग मिल्क में थोड़ा सा ऐड करके पुट सैफरिन मिल्क इन इट. स्मेल्स रियली नाइस. एंड नाउ हम डालेंगे अपना पनीर. आराम से पनीर डालिए ताकि पीसेस ब्रेक ना हो. दिस पनीर इज रियली सॉफ्ट एंड रियली फ्रेश. या इसको धीरे धीरे चलाना है. जस्ट फोल्ड द करी ऑन टॉप ऑफ द पनीर so that it doesn't break. The paneer is really really soft, really fresh. And हमने ये पनीर मिला लिया है. So for that extra flavor, हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ली है. इसको आप थोड़ा सा ऐसे मसल के लेकिन sprinkle it on top of the gravy. हमने एक बार इसको ऐसे मिला दीजिए. So this is paneer nawabi and let's take you to the plating now. Hey guys, कैसी लगी मेरी डिश? बढ़िया ना? So I tasted it and I loved it. So मैं दूसरों को चखा के आता हूँ. Till then, you keep cooking. Wish me luck and I'll see you next Sunday.